महेवा मंडी में आने वाले व्यापारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मंडी के एंट्री गेट पर सैनिटाइज टनल केबिन लगवाया गया है, जिसका शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया। इसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट ने मंडी का निरीक्षण कर वहां के व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि मंडी में अधिकारी कर्मचारी या जो व्यापारी मंडी में आ रहे हैं वो जब इस टनल से होकर गुजरेंगे तो 15 सेकंड के अंदर सैनिटाइज होकर निकलेंगे, जिससे कि मंडी में संक्रमण ना फैल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, एक यहाँ पे जो मंडी का एंट्री गेट है उसके पास एक सैनिटाइज़र टनल यहाँ लगवाई गई है, और इसका बेसिकली उद्देश्य ये है कि जो भी व्यक्ति यहाँ मंडी में आता है, कोई भी अधिकारी कर्मचारी आड़ती या पैकार या जो भी मंडी से सामान लेने आता है उससे संबंधित है, वो जब उस टनल से होकर गुजरेगा तो 15 सेकंड के अंदर वो पूरा सैनिटाइज हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, और इससे बेसिकली जो भी वायरस को रोकने का, उसके संक्रमण को फैलने से रोकने का जो तरीका है, ये इससे हम उचित तरीके से उसको रोक सकते हैं। और यह शुरू होने से फिर जो भी गंदगी है आपके अंदर, आप मंडी में आते हैं क्योंकि यहाँ मंडी में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, आसपास के रहते हैं, वैसे तो उनको मास्क लगाने कहा जाता है, पर फिर भी यहाँ से बाहर निकलते टाइम जब सैनिटाइज हो जाएंगे तो फिर आदमी पूरी तरह से साफ हो जाता है। सर, जो लोग मंडी में फालतू रहते हैं, देखिए मंडी में हमने 4 जगह चेक पोस्ट बनाए हुए हैं और वहाँ पे पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है, होमगार्ड्स लगे हुए हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी फालतू ना घूमे। और प्राइवेट व्यक्तियों के लिए मंडी वैसे भी बंद है, यहाँ से सिर्फ आड़ती और पैकार और फुटकर विक्रेता ही सब्जी खरीद सकते हैं। तो अगर वो घूम रहे हैं तो यहाँ चेक पोस्ट में रोका जा रहा है, उनको तत्काल वापस भेजा जा रहा है, फिर भी अगर वो नहीं सुनेंगे तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।